कोरोना के दो साल बाद एक बार फिर परंपरागत स्वरूप में देवी अहिल्या की पालकी शुक्रवार को हर्षोल्लास से निकाली गई। इसमें होलकर कालीन लाव लश्कर और राष्ट्रीय ठाट बाट भी नजर आया। यहां फूलों से सजी पालकी में मां अहिल्या के दर्शन पूजन के लिए शहरवासियों का मेला लगा हुआ था। बटुक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो अखाड़ों व मलखम के कलाकार और बाइकर्स के करतब भी आकर्षण का केंद्र थे। अश्व पर विराजित किशोरियां और बग्घी पर माता अहिल्या की वेशभूषा में हाथ में शिवलिंग लिए बैठी बालिका भी थी। ध्वजारोही अंगरक्षक, ध्वजारोही घुड़सवार 13 शासकों के चिन्ह लेकर चल रहे थे। देवी अहिल्या की 227वीं पुण्यतिथि पर अहिल्या उत्सव समिति के तत्वावधान में गांधी हाल से निकली 111वीं पालकी यात्रा का उल्लास देखते ही बन रहा था। सांसद शंकर लालवानी ने पालकी का पूजन किया। इसमें बैलगाड़ी पर शहनाई वादक शहनाई बजा रहे थे। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।